हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक वंस अगेन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द सिक्स सेमेस्टर एंड दे आर स्टडिंग द बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सो वी आर कवरिंग थर्ड यूनिट इन दिस यूनिट वी हैव बीन असाइन दिस टॉपिक कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो इन डिटेल में हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर आपकी है क्या और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किन चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो so, चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करने के लिए तो सबसे पहले बच्चों हमें यह समझना पड़ेगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होती हैं जिनको आप एक सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से ऑप्टेन करते हैं प्लाज्मा सेल को ही हम क्या कहते हैं एक्टिवेटेड बी सेल्स कहते हैं जब आपकी बी सेल्स एंटीजन के रिस्पांस में आपका एक्टिवेट होती है उन्हीं एक्टिवेटेड बी सेल्स को हम लोग प्लाज्मा सेल्स के भी नाम से जानते हैं आपकी जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनाती हैं लेकिन अगर एक ही सिंगल क्लोन आपका प्लाज्मा सेल का बन रहा है और उससे आपने अगर एंटीबॉडी निकाली है तो उस एंटीबॉडी को आप कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी द एंटीबॉडी विच इज ऑप्टेंड फ्रॉम द सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल राइट नाउ ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसकी क्या खास बात होती है दिस हैव स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेट आपकी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं इनकी एक सिंगल टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए स्पेसिफिसिटी होती है एंटीजेनिक डिटर्मिनट क्या होते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को हम लोग एपिटोब्स के नाम से भी जानते हैं चलिए इनको देखते हैं क्या होते हैं मान लीजिए ये आपका एक एंटीजन है इस एंटीजन के सरफेस पर इस एंटीजन के सरफेस पर कुछ ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इन्हें हम एपीटोम्स कहते हैं यही आपके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं all right Ek एंटीजन के ऊपर आपका अलग अलग तरीके के एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हो सकते हैं हो सकता है ये आपका एक डिफरेंट टाइप का इसके ऊपर एपिटोप हो तो अगर आपके डिफरेंट टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन को डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं हम एक ऐसा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना चाह रहे हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को डिटरमाइन करता हो या कहें जिसके ऊपर एक सिंगल टाइप का एपीटोप हो समझ में आ रही है बात अब बात कर लेते हैं इसको बनाया कैसे जाता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की जो

तो एक्टिवेटेड बी सेल हम क्यों ले रहे हैं ताकि हमको एक ऐसी सेल मिल सके जो अपने में से क्या प्रोड्यूस कर सके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके ठीक है अब आपकी जो एक्टिवेटेड बी सेल होगी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी लेकिन उसकी जो लाइफ है वो एक लिमिटेड है वो आपका हमेशा के लिए आपका वहां पर लिव नहीं कर सकती है तो हमें हम क्या करना पड़ता है एक ऐसी सेल लेनी पड़ती है जो इमोटल हो तो हमने दूसरी सेल लेनी है माइलोमा सेल तो हम क्या कराएंगे इस टेक्नोलॉजी में हम इन दोनों का बच्चों फ्यूजन कराएंगे ये देखिए ये है आपकी बी सेल और ये है आपकी माइलो सेल तो बी सेल की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है माइलोमा सेल भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन माइलोमा सेल क्या है ये आपका टेक्निकली देखा जाए तो एक कैंसरस सेल है तो हमें क्या करना है हमें एक ऐसी सेल लेनी है जो अपने में से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके अब वो है आपकी बी सेल लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इमोर्टल नहीं है तो हमने ले लिया है एक माइलोमा सेल जो कि इमोर्टल है इमोर्टल मीन्स ये आपका इट कैन लिव फॉर एवर ठीक है तो हम इन दोनों का फ्यूजन कराएंगे और एक ऐसी सेल बनाएंगे जिसके अंदर बी सेल और माइलोमा सेल दोनों के कॉम्पोनेंट प्रेजेंट रहेंगे माइलोमा सेल की अगर हम बात करें तो ये सेल आपका किसी भी प्रकार की कैंसर सेल से आप ऑप्टेन कर सकते हैं टेक्निकली आपको पता है माइलोमा भी एक प्रकार का कैंसर है तो आप ये सेल किसी भी कैंसर सेल लाइन से ऑप्टेन कर सकते हैं माइलोमा सेल का देखा जाता है इसी को क्यों फ्यूज किया जाता है बिकॉज इस इस सेल के इस सेल के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होती हैं काफी और इनकी कंपैटिबिलिटी भी है जब इन्हें फ्यूज किया जाता है तो एक कंपैटिबल फ्यूज सेल का फॉर्मेशन करती हैं और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो एंटीबॉडीज बने हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट थेरापेटिक एप्लीकेशन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिजीजेस लाइक रिमेटर आर्थराइटिस दैट्स वाई दिस टेक्नोलॉजी हैज लैंडेड अप विद द नोबल प्राइज सो मूविंग ऑन टू दिस टेक्नोलॉजी इन डिटेल जैसा कि हमने अभी तक समझा कि इस टेक्निक के थ्रू हम हाइब्रिड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और हाइब्रिड सेल हम कैसे बनाते हैं हम एक बी सेल का फ्यूजन करते हैं एक माइलोमा सेल के साथ तो हमको क्या मिल जाती है हमें एक हाइब्रिड सेल मिल जाती है या इसी को हम फ्यूज सेल भी कहते हैं चूंकि इस टेक्नोलॉजी में आप एक हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसीलिए इसे क्या कहा जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहा जाता है चलिए अब आगे बात करते हैं लेट्स कंटिन्यू द प्रोसीजर प्रोटोकॉल क्या प्रोसीजर है आपकी इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा इसमें हमें बी सेल चाहिए तो सबसे पहले हमें बी सेल का कलेक्शन करना पड़ेगा नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आपका एंटीजन के रिस्पॉन्स में स्प्लिन के अंदर आपका बी सेल्स स्टिमुलाई होते हैं और बी सेल आपका एक्टिवेट होने पर आपका प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स फिर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का रिलीज स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या करना है यहां पर हमें हम ह्यूमन के अंदर तो नहीं वो चीज स्टिमुलेट कर सकते हैं तो हम यहां पर एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में माइस को चूज करते हैं इसमें हम एक स्पेसिफिक एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्रू दी इंजेक्शन तो आपका जो एंटीजन है वो आपके माइस के स्प्लिन के अंदर एंटर करता है और वहीं आपके उसके स्प्लिन के अंदर उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कब होगा जब आपका पहले बी सेल एक्टिवेट होंगी तो एंटीजन के रिस्पांस में आपका बी सेल एक्टिवेट होती हैं वो आपका अपने में से बहुत सारे आपका मोनोक्लोन्स बनाती हैं या जिन्हें आप कह सकते हैं प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं तो वो आपका मोनोक्लोन्स एक तरीके की आपकी प्लाज्मा सेल्स बनने लग जाती हैं साथ ही साथ हम क्या करते हैं हम एक कैंसर सेल को लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ माइलोमा सेल आपका फिर हम इस माइलोमा सेल का इस माइस के माइस से ऑप्टेंट बी सेल्स के साथ फ्यूजन कराते हैं और फ्यूजन के बाद हम हमको हमारी हाइब्रिड सेल्स मिल जाती हैं दिस टेक्निक इज दैट मच सिंपल तो सबसे पहले क्या करना है आपको जब आपने माइस के अंदर इंजेक्शन को डाला एंटीजन का इंजेक्शन डाला तो आपने सेवेंटी टू आवर्स के लिए आपने इसको अलाउ करना है कि माइस की बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में आपका बी सेल्स आपका एक्टिवेटेड फॉर्म में तैयार हो सके तो आफ्टर सेवेंटी टू आवर्स आप अपने इस माइस के माइस को सेक्रीफाइस करेंगे उसका आप स्प्लिन निकालेंगे एंड स्प्लिन ऑफ द माइस विल बी द सोर्स ऑफ योर बी सेल्स ऑल राइट तो बी सेल का कलेक्शन कर लिया है देन यू हैव टू सेलेक्ट द माइलोमा सेल माइलोमा सेल की हम बात कर चुके हैं टेक्निकली ज्यादा कैंसर सेल्स तो आप इसको किसी कैंसर सेल से आप इसकी लाइनिंग ऑप्टेन कर सकते हैं और इनकी इमोर्टिलिटी की वजह से आप इन्हें चूज कर रहे हैं यहां पर यह ध्यान रहे अब हमारा तीसरा चीज आता है हमने दोनों को कलेक्ट कर लिया अब हमें इनका फ्यूजन कराना है तो बच्चों इनका फ्यूजन कैसे कराया जाएगा देखिये इनका फ्यूजन कराने के लिए आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दिस फ्यूजन विल टेक प्लेस ओनली अंडर द सर्टेन कंडीशन तो यहाँ पर आप को एक मीडियम चूज करना पड़ता है इस मीडियम का नाम है आपका पीई जी विच एक्सटेंड पॉलीकोल तो आप यह मीडियम लेंगे तो इस मीडियम की की प्रेजेंस में आपका आपकी सेल्स फॉर्मेशन होने लगेगी बट यहां पर एक चीज होती है जब आप आपकी बी सेल्स को लेट्स टेक दिस डायग्राम एज एन एग्जाम्पल जब आप फ्यूजन कराते हैं आपने बी सेल ले ली ठीक है और आपने माइलोमा सेल ले ली अब बी सेल और माइलोमा सेल का जब आप पीईजी की प्रेजेंस में फ्यूजन कराएंगे तो इस मिक्सचर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स मिल सकती हैं देअ माइड बी फ्यूज ऑफ दीज टू नॉट बी फ्यूजन ऑफ दीज टू जब फ्यूजन होगा तो आपको फ्यूज सेल्स तो मिल जाएंगी ठीक है पर अगर आपका इनका फ्यूजन नहीं होता है तो आपको उसी मिक्सर में कुछ आपको अनफ्यूज बी सेल्स भी मिलेंगी और कुछ आपको अनफ्यूज माइलोमा सेल्स भी मिलेंगी तो आप देख सकते हैं कुछ आपकी अनफ्यूज बी सेल्स हैं और कुछ आपकी अनफ्यूज माइलोमा सेल्स हैं यानी कि ये वो सेल्स हैं जो आपका पीजे uh, की प्रेजेंस में भी आपका फ्यूज नहीं कर पाई हैं दे आर नॉट एबल टू गेट फ्यूज तो ये आपका मिक्सचर में इसी फॉर्म में रह जाती हैं तो अब हमें क्या करना पड़ता है अब हमें इनका इंक्यूबेशन करना पड़ता है जब ये आपका मिक्सचर आपका सफिशेंट uh, टाइम आप इसको देंगे जब इसमें फ्यूजन हो चुका होगा अब आपको इस पूरे के पूरे मिक्सर को इंक्यूबेट करने के लिए डालना पड़ेगा इंक्यूबेशन करते समय आप एक चीज ध्यान रखेंगे ये इंक्यूबेशन आपका एक मीडियम की प्रेजेंस में होता है तो इंक्यूबेटर में आप एक मीडियम डालते हैं जिसका नाम है हेट HAT, HAT तो माइलोमा सेल्स uh, तो हम को हमने क्या करना है क्योंकि माइलोमा सेल्स देखिए दे आर प्रैक्टिकली कैंसर सेल्स एक्टिविटी को हमने उसकी हार्म एक्टिविटी uh, है, उसको हमने करना है करने से पहले. तो हम क्या कर रहे हैं हम इंक्यूबेट कर इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा आपकी जो आपके पास फ्यूज सेल्स आएंगी ठीक है है अन, सेल्स 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 एंड बी आपके किसी काम की नहीं आपको आपको क्या चाहिए आपको ये चाहिए सेल्स चाहिए ये जिसमें आपका माइलोमा सेल का भी कुछ कॉम्पोनेंट हो और बी सेल्स का भी कुछ कॉम्पोनेट हो उनको लेंगे आप और इस तरीके की कुछ ट्यूब्स होती हैं जिन्हें वेल्स कहा जाता है आप इनके अंदर इनको फिल कर देंगे ये वेल्स आपका स्पेसिफिकली यूज होते हैं चूंकि ये आपका उस स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अपने अंदर कंटेन करने में हेल्प करेंगे अब आप इनको सेपरेट करने के लिए आप जो डिजायर्ड आपके पास फ्यूज सेल है उसको आप सेपरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि आपका एलाइजा इसको आप यूज कर सकते हैं या फिर आप रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक्स हैं इनकी मदद से आप मिक्सर में प्रेजेंट आपकी जो डिजायर्ड फ्यूज सेल्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं एलाइज़ा के बारे में हम एक पहले से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं अगर आपको एलाइजा टेक्निक के बारे में जानना है तो आप चैनल पर जाकर बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट पे एलाइजा के बारे में पढ़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं देखिए हर टेक्निक को हमने किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए ही बनाया है एज वी नो दैट कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया दिस टेक्नोलॉजी हैज़ लैंडेड अप विद अ नोबल प्राइज तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है वो बात कर लेते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इनको आप शॉर्ट में मैप्स कह सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सो इनका थेराप्यूटिक यूज है यानी कि ये थेरेपी में यूज होती हैं तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं जैसे माइस्थीन ग्रेविस है रोमेटो आर्थराइटिस है तो इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी अगर हम डिजीज की बात करें तो कैंसर लाइक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को ट्रीट करने में भी आपका मैप्स हैव फाइंड थेरापटिक इंपॉर्टेंस मेनली आपका ब्रेस्ट कैंसर्स में आपका एक मार्केटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका बहुत वाइड एप्लीकेशन किया जाता है अभी हम उसका नाम पढ़ेंगे फिर बात करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ठीक जिनमें आपका इम्यून रिएक्शन इन्वॉल्व रहती हैं तो उन जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करने के लिए भी हम मैप्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहें कि ये आखिर वर्क कैसे करती होंगी तो मैप्स कैसे वर्क करती हैं जब हम कह रहे हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यूज हो रही हैं यानी कि यहाँ पर मैप्स क्या करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम का सप्रेशन कर रही हैं ठीक है इम्यून सिस्टम का सप्रेशन करके ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमको आराम दे रही हैं कैंसर की बात करें तो ये क्या कर रही हैं ये हमारी जो कैंसर सेल्स हैं उनके प्रोलीफ्रेशन को रोक रही हैं उसको इनहेबिट कर रही हैं तो अब बात कर लेते हैं कुछ मार्केट में जो अवेलेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनके बारे में इसमें से आपका जीपेट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये एंटीबॉडीज़ के नाम याद रहने चाहिए पहली एंटीबॉडी पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है आपका इनफ्लिक्सी मैप आप इनके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रग आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्योंकि इनके पीछे आप देखेंगे यहां पर आप देखिए मैब मैब एंड मैप सो दे आर एंडिंग विद मैप्स, सो आपका जो इनफ्लिक्सी मैप है एक आपकी मार्केटेड मैप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका इस्तेमाल क्रॉन्स डिजीज में किया जाता है रिटुक्सी मैप की बात करें तो रिटुक्सी मैप आप इसको याद कर सकते हैं आर फॉर रिटुक्सी एंड आर फॉर रोमेटोड आर्थराइटिस तो आर के ट्रीटमेंट में भी आपका रेटोक्सी मैप है प्रोफाउंड एप्लीकेशन मूविंग ऑन टू दर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ओमालीजो मैप इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्थमा में अब एक चीज ध्यान रखिएगा हर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खास बात क्या है कि वो स्पेसिफिक है यानी कि हर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो टारगेट मॉलिक्यूल है बच्चों वो अलग अलग है ठीक है क्योंकि इनको बनाया ही क्यों गया है बिकॉज इनकी स्पेसिफिसिटी है हर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर टाइप का टारगेट मॉलिक्यूल के आ, साथ वो इंटरेक्ट करती है और उस पर्टिकुलर टारगेट को ब्लॉक करके वो अपने आ, उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आप उसको यूज करते हैं बात करें अगर ओमेली जूमैप की जो कि आपका एस्तमा में यूज हो रहा है तो आपको पता है एस्तमा क्यों होता है एस्तमा में आपका जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है वो है आपकी आईजीई तो आपका जो ओमेली जूमैब है उसका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो है आपका आईजीई एंटीबॉडी ठीक है तो यानी कि आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जो खास खास बात है जो इनकी ब्यूटी है वो है इनकी स्पेसिफिसिटी ये एक स्पेसिफिक आपका ये स्पेसिफिक होती है अपने मामले अपने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के मामले में सो दैट्स वाई इनका हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर फॉचिंग दिस वीडियो